जाते हैं, वहाँ आपके सामने बड़े बड़े बोर्ड पे मेन्यू लिखा होता है या फिर आपके सामने मेन्यू अपडेट आ जाती है, देन यू विल कन्फ्यूज व्हाट टू चूज एंड व्हाट टू नॉट। और कभी कभी आपके फ्रेंड्स के सारे एम्बैरेस भी लगता है सामने कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ, और आपको उसका प्राइस रेट भी नहीं पता होगा। तो डोंट वरी गाइस, बिकॉज़ टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू ऑर्डर आइसक्रीम इन आइसक्रीम पार्लर। वेलकम टू अवर चैनल ITPRR। यहाँ हम आपको इंग्लिश लेसन बढ़िया से बढ़िया कोशिश करते हैं ताकि आप हमारे इंग्लिश सीख पाए। और सबसे पहली चीज़ जो हमें आइसक्रीम ऑर्डर करने पर सीखनी है वो है यहाँ पे चार तरह के साइजेस होते हैं, मतलब चार तरह के, एक तो साइज होता है, एक होता है हमारा फ्लेवर, और एक होता है हमारे टाइप, और ऊपर से टॉपिंग। जैसे पिज्जा में टॉपिंग होती है वैसे आइसक्रीम में भी टॉपिंग होती है। तो सबसे पहले हमें साइज जानने चाहिए। साइज यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, एक होता है किंडल, एक होता है सिंगल स्कूप और एक होता है डबल स्कूप। मैं आपको एक एक करके तीनों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला है किंडल। किंडल एक्चुअली छोटा सा होता है, आप अगर आपके साथ आपका कोई बच्चा जा रहा है या फिर आप कोई आइसक्रीम टेस्ट करके देखना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहते, आप किंडल ले सकते हैं। और सिंगल स्कूप होता है अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, आपको ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी है बट आपका मन आइसक्रीम खाने के लिए करता है, तो आप सिंगल स्कूप ले सकते हैं। डबल स्कूप आप तब ले सकते हैं जब आप ज़्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं, अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते और आपको आइसक्रीम खानी है तो खानी, तो आप डबल स्कूप ही ले सकते हैं। अब ये तो हुआ हमारे साइज की बात, अब हम बात करते हैं फ्लेवर की। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत तरह तरह के फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन फ्लेवर जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है हमने वो चीज़ लिया। फर्स्ट है वनीला एंड पपाया, चॉकलेट, बटर स्कॉच, संडे, और भी तरह तरह के होते हैं जैसे बनाना, स्ट्रॉबेरी, लेकिन ये हैं जो कॉमन है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं हमें, आप आइसक्रीम लोगे तो अपने हाथ में तो लोगे नहीं, आप कप में लोगे या कोन्स में लोगे, तो आप ले सकते हैं कप में ले सकते हैं अपनी आइसक्रीम, या फिर आप कोन्स में ले सकते हैं। कोन्स भी तीन तरह के होते हैं वैसे, उसमें दो हमारे शुगर कोन, वेफल कोन, एक किंडर कोन भी होता है, वो छोटा होता है। और ये है हमारी आइसक्रीम स्टिक, हम ज़्यादातर इसे खाते हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आइसक्रीम स्टिक को। अब बात हम करते हैं टॉपिंग्स के बारे में। यहाँ टॉपिंग्स हमने दे रखी है तीन तरह की, व्हिप क्रीम, स्प्रिंकल्स एंड क्रंची नट। और भी तरह तरह की टॉपिंग्स होती हैं जैसे फ्रेश फ्रूट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। व्हिप क्रीम बहुत सॉफ्ट होती है, ज़्यादा लाइट वेट होती है, और ये ज़्यादा फैट भी नहीं होता है इसमें। और स्प्रिंकल्स तो हमें बच्चों को बहुत पसंद है, कलरफुल स्प्रिंकल्स कौन पसंद नहीं करता। क्रंची नट जो है वो आइसक्रीम में थोड़ी क्रंचीनेस ले आते हैं, जो हम जब खाते तो हमें अच्छे लगते हैं। अब ये तो मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बता दिया, अब बात है कि हम इसे ऑर्डर कैसे करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर कैसे करना है। एक जो सेंटेंस है, मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस बताता हूँ, वो आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, और वो सेंटेंस है आई वुड लाइक टू हैव। अगर आपको किसी चीज़ को ऑर्डर करना है, चाहे वो कुछ भी हो, पिज़्ज़ा हो या कॉफ़ी हो, तो आप ऐसे कहते हैं आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। तो इसी तरीके से हम आइसक्रीम के लिए भी यूज़ करेंगे, तो आपको मेरे साथ बोलना है आई वुड लाइक टू हैव वन सिंगल स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम इन अ कप विद एक्स्ट्रा स्प्रिंकल्स, या फिर आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव डबल स्कूप ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम इन शुगर कोन विद क्रंची नट्स। So thank you for watching my video and don't forget to subscribe our video. Thank you.